बार आते हैं। जीएस के प्रश्नों की सीरीज वो है जो आपके परीक्षा में अगर हम बात करें तो एक नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी कलम के साथ बने रहे हैं और इन 50 प्रश्नों के सेशन में हम ये देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और हम उन्हीं प्रश्नों की तरफ एक एक करके क्रमवार रूप से बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं, कि टॉप ये 50 ऐसे प्रश्न है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर में तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के वे प्रश्न है जो आपके परीक्षाओं में खूब दवा के झोला भर भर के पूछे गए हैं और आज उसी सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल आएंगे। और एक बार ये सरल प्रश्न कुछ लोग के मन में लगे सर ये तो बड़े सरल सवाल, इसे तो हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है सरल सवाल है तो फटाफट अंदाज में आप लोग भी इसके जवाब देते चलेगा। यहाँ पे बात करेंगे, सवाल आपके सामने है और सबको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये भारत के भूगोल सवाल, क्योंकि इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, कृषि और उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, मतलब पूरा जीएससी की सीरीज जो पिछली कक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये भारत के पड़ोसी जितने भी 7 देश की जो सीमाएं हैं, भारत के जो अलग अलग राज्य छूते हैं उन राज्यों को आपको याद करना होगा। वैसे अभी फिलहाल आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो भूटान की सीमा कौन कौन राज्य साझा करते, तो फटाफट कौन बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए कह रहा है कि कौन साझा करता है, असम के साथ भी साझा करता है, एक सवाल सही है, पश्चिम बंगाल भी साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा आलापदीज। अगर आपने सवाल का उत्तर आलापदीज बताया, ये सभी बताए हैं, तो आपके सवाल पूरी तरह से क्या है, सही है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने भी इस प्रश्न के उत्तर आलापदीज बताए, अगर बताए हैं तो जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, जहां जरूरत पड़े आप प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। अगला है अरावली पहाड़, जो अरावली की पहाड़ी है, कह रहे हैं कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र कुछ इस तरह से होता है। अगर हमारे और आपके सामने अगर हम मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे दाएं हाथ जो हमारा होता है ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। यहाँ पर वेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है पश्चिमी छोर से। ध्यान से अगर देखेंगे तो अरावली, अरावली पर्वत के बारे में मैं चाहूंगा कि और भी बातें आप बताएं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट अंदाजे बताएं कि अरावली पर्वत के बारे में आप क्या क्या चीजें जानते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। जहां पे एकदम सही आप लोगों ने बताया है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाजे बताइएगा। देखिए यहाँ पर लूनी नदी भी निकलती है और माही नदी भी निकलती है, ये दोनों नदियां हैं जो लूनी और माही, दोनों जो नदियां हैं वो निकलती, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ए और बी दोनों। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। थोड़ा सा सरल सवाल की श्रेणी में आते हैं, आपको भी लग रहा होगा हाँ सर ये तो सवाल काफी सरल है, लेकिन फिलहाल परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहे तो इन प्रश्नों को खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस के। यहाँ पे कह रहा है कि सैडल पीक, सैडल पीक की बात करें तो ये किसी स्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, चोटी है हम ये कह सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ग्रेट निकोबार का, उत्तरी अंडमान का, मध्य अंडमान का या दक्षिण अंडमान का। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, सैडल पीक अगर हम बात करें तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, ठीक। अंडमान का सबसे ऊंची चोटी, अगर हम बात करें अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है। हम इसी के साथ आगे बढ़े, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा मेरी आवाज आप लोग साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं दिक्कत है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आगे चल रहे हैं, अगला प्रश्न है कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आते हैं या तो गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और हम नहीं चाहेंगे कि अगर आप इस सेशन को पढ़ें, डेली क्लास में बने रहे तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो गलत ना होने पर हम आपके कमेंट भी ले रहे हैं। वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ आप लाइव देख पा रहे हैं और हम चाहेंगे सेशन में आगे भी आप इस तरह से बने रहे। प्रश्न नंबर 4 की जब अगर हम बात करें तो अमरावती है, पंचगंगा है, मूसी है और पेनगंगा है, तो यहाँ पे कौन से सहायक नहीं है। अगर हम इस नहीं की बात करें तो आपके मन में क्या आएगा, चलिए इस बार भी हम लोग ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं इस पर भी ध्यान आकर्षित करने का। यहाँ पर हमने अपने देखा कि देखिए इसका सबसे सही उत्तर क्या है, अमरावती भी है सहायक नदी इसकी, पंचगंगा भी है, ये इलानी विद्रोह नोट्स में मिल जाएगा आपको, मूसी नदी भी है, लेकिन पेनगंगा नहीं है। यहाँ पे सवाल के उत्तर की हम बात करें तो डी, अगर आपने भी सवाल का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा व्याख्यात्मक नहीं क्योंकि फास्ट सेशन है आपके लिए, तेजी से हम लोग पढ़ेंगे। भारत के क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है, गंगा के मैदान में,
कोरोमंडल क्षेत्र में, दक्कन के पठार में, कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर पांच की अगर हम बात करें तो सभी लोग बताएगा, यहाँ पे कह रहा है अत्यधिक असंचित, तो असंचित अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से सवाल का उत्तर क्या होगा। जो लोग भी सेशन में लाइव है वो फटाफट इस वीडियो में कॉमेंट बॉक्स में जाएंगे और कॉमेंट करके बताएंगे। हाँ नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है साहब, जरा कॉमेंट करके बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं, इस वीडियो में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो बताइएगा दक्कन, क्योंकि नोट्स में सारी चीजें सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगी और थ्योरी की सेशन और एनसीईआरटी का सेशन भी लर्निंग विद दुर्गेश के चैनल पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा पूरा। दूसरा है उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली पटना के बीच तीव्र होती है उसे पुरवैया कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं, लू कहते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं भी आप देख रहे हैं, जवाब सभी का आना चाहिए, गलत हो सही हो लेकिन जवाब आपको देना है। बताइए सब लोग, देखिए एकदम यहां पे साफ है, यहां पर देखिए पुरवैया, मैंगो शावर, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर किस देश में बहता है कमेंट करके बताइएगा। विश्व भूगोल की सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लू। इसे क्या कहेंगे, लू, मतलब अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, वैसे इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगी। अगला सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, कह रहा है कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। यहाँ पे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा नहीं है, और आपने देखा होगा अब प्रश्नों के ट्रेंड बदल रहे हैं परीक्षाओं में, और ये सरल से कठिन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सरल से कठिन की तरफ बढ़ने वाले सवाल है। एक बात ये जान लीजिएगा, ये अब इकोनॉमिक, अभी तक हम लोग भारत के भूगोल का सीरीज पढ़े, मतलब छह प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा भारत के भूगोल का था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर सात, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। उत्पादकता के निम्न स्तर ये समान होती है, तकनीकी उन्नति ये समान नहीं होती, मतलब ये कह रहा है विकासशील और विकसित में ये तकनीकी की उन्नति नहीं होती। निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी समान होती है, पूंजी की कमी ये दोनों में होती है, कह रहा है कोच में समान नहीं होती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही और सत्य है। डेली क्लास की टाइम यही, और आप लोग प्रतिदिन टाइम से क्लास में जुड़ जाइएगा। आगे है जीएसटी किस प्रकार का कर है, एक सवाल पूछा जाता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। भारत में कुल कितने प्रकार की जीएसटी लगती है, जीएसटी के दर कितने प्रकार के। देखिए जीएसटी दो प्रकार की लगती है, ये भी कह सकते हैं, एक स्टेट जीएसटी होती है, यस जीएसटी होती है, और सी जीएसटी होती है, लेकिन जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, निगम कर है, कोई नहीं है। तो याद रहे ऐसा कर जो कोई एक व्यक्ति देता है और वहन उपभोग करने वाला व्यक्ति करे तो वो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता वहन भी करता है और उसको पता भी नहीं चलता, जैसे अगर आपने एक साबुन खरीदा उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है लेकिन आपने अलग से जीएसटी पे नहीं किया तो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जिस पर आपको लगता है कि उस सामान के अतिरिक्त अगर आप टैक्स करते हैं तो आता है। जी हाँ, जवाब सही आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के कुल कितने दरें हैं भारत में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, आपका उत्तर सही है, जीएसटी का फुल फॉर्म आ गया है। अच्छा जीएसटी दिवस कब आता है, जीएसटी दिवस अगर एक सवाल आपका ये पूछ सकता है, जीएसटी दिवस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि जीएसटी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। वैसे आप तो कहेंगे सर हम बहुत सारे दिवस विविध हैं, सर आपने पढ़ाया है ये नया दिवस कहां से आ गया, इस दिवस के बारे में भी आपको जरूर से बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है सार्वजनिक क्षेत्र में, ये देखिए सब पूरे इकोनॉमिक्स के सवाल है, अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। तो जितने भी लोग इस प्रश्न में बने हैं वे जवाब जरूर देंगे, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। हाँ डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जो विनिवेश होता है उसे निजीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं,
निजीकरण कहते हैं। ए वालों का जवाब यहाँ पे सही है। अगला है आय और उपभोग। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध है, आंशिक संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 का जवाब सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साफ चल रही है ना वीडियो, बताइए फटाफट कमेंट करके। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? एक आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा और आप जानते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए, अगर आपने मेरी सीरीज इकोनॉमिक्स की पढ़ी होगी तो आपको एक बात समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को जितना सरल शब्दों में समझेंगे, लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी इनकम होती है उस हिसाब से उसका खर्च होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई 10,000 रुपए पाता है तो भी उसका खर्च नहीं चल पाता, 1,00,000 पाने वाला का भी खर्च नहीं चलता, 50,000 पाने वाले महीने का भी खर्च नहीं चल पाता, जिसकी सैलरी 2,50,000 रुपए उसको भी महीने के लास्ट तक जाते जाते उसके भी अकाउंट से पैसे खत्म होने लगते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आय का और उपभोग करने का दोनों का कैसा संबंध है? बताइए यहाँ पे, प्रत्यक्ष संबंध। कैसा है? सीधा सीधा संबंध है, मतलब जिस हिसाब से आय होती है उसी हिसाब से उपभोग इंसान करता है, उसी हिसाब से उसका खर्च भी होता है। तो एक कॉमन सेंस की बात थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। इसकी थ्योरी हमने अर्थव्यवस्था की सीरीज में पढ़ाई है, वहां पे भी आप जाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य? अब देखिए, अब यहाँ पे पर्यावरण के सवाल आ गए। अभी तक हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के सवाल को पढ़ा था, पहले ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी था, इकोनॉमी था, अब ईवीएस की तरफ आ गए, मतलब पर्यावरण की तरफ है। कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस। वैसे मैं चाहूंगा कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। ओजोन क्षरण क्या है? ओजोन मंडल, ओजोन की जो परत है ये वायुमंडल के किस परत में है, कमेंट करके बताइएगा। या ओजोन क्षरण का मतलब आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस कितने प्रकार के होते हैं? ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? कमेंट करिए, जवाब दीजिए। ऐसे लग रहा है ना क्लास में बैठे हैं, ये ऑफलाइन क्लास जैसा फील होना चाहिए। हम आप आमने सामने बैठे हैं, हम आपके कॉमेंट भी देख रहे हैं। जब हम नीचे देखते हैं तो उस समय हम आपके कॉमेंट्स को ही पढ़ते हैं, ठीक, उस समय मैं आपके कॉमेंट को ही देखता हूँ कि आपके कॉमेंट क्या आ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़े हैं, गलत जवाब गलत बताइए, हम तो सही बताने के लिए बैठे हैं ना, खड़े हैं आपके लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण से भी जलवायु परिवर्तन हो रही है, ग्रीन हाउस गैस से भी जलवायु परिवर्तन हो रही है, ओजोन की परत का संरक्षण होने से भी, भाई टेम्परेचर पृथ्वी का वैश्विक तापक्रम बढ़ रहा है, इसमें से सभी। तो प्राय आप देखते होंगे जहां पे ऑल ऑफ दिया जाता है 80% सही होता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी मैंने पढ़ाया आपको याद होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो प्रश्न नंबर 12 के जवाब आप सभी लोगों को देना है। 1997, 2000, 2005, 2007। तो इस प्रश्न का उत्तर रख लीजिएगा, जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहां पर क्या होगा? 1997। अगर आपने सवाल का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब क्या है? सही है। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले, वैसे आपकी मर्जी। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करिए। अब मुझे लग रहा है कि पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को जरा एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर बताएं कि पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है। चलिए ध्यान से देखना है, शिमलीपाल अभ्यारण, गिर का राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट उद्यान, सरिस्का उद्यान। तो सभी लोग जरूर बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ और देख रहे हैं। अब शिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा में है, एकदम सही आप लोगों ने बता दिया है। अब अगला, गिर का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो जो गिर का है ये कहां पर है? ये गुजरात में है। गिर कहां पे? गुजरात में है। फिर कह रहा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कार्बेट कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। सरिस्का अभयारण्य कहां पे है? तो भैया सरिस्का जो भी बच्चा आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे थे या देख रहे थे, देखिए इसके पहले वाला जो सवाल था प्रश्न नंबर 12, जी हाँ, इसका 1997 कोटा पटल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 1997 के द्वारा। प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा अमित जी, ठीक है। अगला है आपके सामने सत्यफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब हलवा सवाल है ये सत्यफल, ये साइंस का सवाल है। ये ट्रू फ्रूट किससे विकसित होता है? ये साइंस का सवाल है, ये बायो का सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है। और हम चाहेंगे जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, बीजांड में, अंडक में, अंडाशय में, परागण में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सत्य होगा, अंडाशय में, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका सी।
कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे विकसित होता है, एक तरह से कह दो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है आपके सामने जो जीएसजी के विविध के साथ मिला हुआ है, और हम चाहेंगे इस प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, विटामिन डी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। एक सवाल छोटा छोटा है, विटामिन डी से कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग। ठीक, इन सभी के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में। वैसे कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से विटामिन डी से संबंधित है, किससे है, विटामिन डी से। एक सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किन में पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। एक से अधिक विकल्प भी आपके हो सकते हैं, लेकिन कमेंट करेंगे आप तब, स्क्रीनशॉट यहां तो कर ले, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, ये एवरग्रीन सवाल है, मैंने जो सीरीज आपके सामने है ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों की सीरीज में आते हैं, किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, बहुत ही यूनिक सवाल है, और उम्मीद करते हैं जितने भी लोग लाइव पढ़ रहे हैं वे सभी जवाब देंगे और प्रतिदिन क्लास में टाइम से लाइव भी आ जाएंगे। देखिए क्या है अतुल जी, क्या है ना कि हम इस सेशन को शॉर्ट में 50 प्रश्न शॉर्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी व्याख्यात्मक सीरीज जो है एक अलग टाइम पर लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें 10-15 सवाल लाएंगे और एक एक घंटे तक डिफाइन करके पढ़ाएंगे, ये 50 प्रश्न की कोशिश ये है कि 50 मिनट में हम समाप्त कर दें, इसलिए इसको हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। राइबोसोम, ये क्या होगा राइबोसोम, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, वह जो जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो प्रश्न नंबर 17 आपके हिसाब से क्या होगा, जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। अब देखिए, वह जो जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ आपके साथ, ये पूरा लाइव है, फेसबुक पर भी आप लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं, एक साथ आपके सामने लाइव है। कौन सा संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है, आजकल की सीरीज में देखेंगे प्रश्नों में साइंस के सवाल खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, विज्ञान का एक तरह से फिर से बोलबाला है, तो आलू है, गाजर है, शकरकंद है, जहां भी इसमें से कोई नहीं आ जाती माना करिए इसकी सही होने की संभावना 20% ही होती है, और आलाप बीज की जो संभावना होती है ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कौन सा संशोधित भूमिगत तना है, गाजर, आलू, शकरकंद। प्रश्न नंबर 18 सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एकदम सही है आलू, अगर आपने आलू बताया तो जवाब सही है, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही, तो बताइए कौन सा कथन जो है फ्लोएम के बारे में सही है, फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, फ्लोएम पौधों को सहारा देता है, B+C। तो फ्लोएम पौधों को सहारा देता है ये गलत हो गया, जब ये आपका गलत है तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें सी को भी प्लस किया हुआ है, तो मतलब दो विकल्प आपके कट गए, अब आपके सामने ए और बी बचा, तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें से आप किस प्रश्न को चयन करते हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। फ्लोएम जो है ना फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, मतलब सवाल का उत्तर जो हो गया आपका बी, अगर सवाल के उत्तर की हम बात करें तो यहाँ पे सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका बी हो गया, अगर आपने बी बताया है तो जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। अब चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ेंगे डे बाय डे, पहले आपको प्रैक्टिस कराते उन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और सरल प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, ये एवरग्रीन सवाल है ये। अगला है, स्थली हरे पौधों पत्तियों कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये बहुत ही यूनिक सवाल है और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब सभी लोग जरूर दीजिएगा, 1%, 10%, 45%, 99%। अभी हाल ही में बीपीएससी की परीक्षाओं में भी, जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी वहां पे भी सवाल को पूछा गया था, तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट को पूरा पढ़ा होता तो याद है, नोट्स में भी लेने भी दुर्गेश का था ये, तो बताइए स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे इस वीडियो के सेशन में कमेंट करके। एकदम सही आपने बताया, 1%, 1% आपका सही। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बनता है एसिटिलीन से, मेथिलीन से, फ्लोरीन से, ऑक्सीन से, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर दीजिएगा,
वैसे पूछा था कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हम आपके कमेंट भी देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करते रहिएगा, कोशिश करिएगा वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने के लिए। अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों तक ये सीरीज पहुंच जाएगी, पैसे भी आपके नहीं कटने वाले हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके, एसिटिलीन मतलब ए वालों के जवाब यहाँ पे सही। ठीक, हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अगला है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 14, 18, 32, 22 के जवाब दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 32। एनसीईआरटी ये पूरा आपने पढ़ा होगा, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व जो सभी गैसें हैं। बहुत ही यूनिक सवाल है, बहुत ही ज्यादा आपके परीक्षा में पूछा जाता है। समूह 10, 18, 14, 18, 12, 14, 10, 18। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात करो तो अपने आप समझ जाएंगे सर ये तो 18 है। ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विद्युत गैस के नोट्स में मिल जाएगा। और ये एवरग्रीन सवाल है जो आपके परीक्षाओं में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछे जाने की भी संभावना रहती है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि प्रेरक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो H1 है, ऋणात्मक आयन है, H1 है, OH-2 है, फिर OH है, तो यहां पर यह होगा डी। ठीक, तो इसमें ज्यादा भी समय लोग नहीं लेंगे। अगला है, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए नहीं है वाले जो प्रश्न है आजकल खूब ज्यादा ट्रेंड में रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आपके जो भी परीक्षा आयोग करा रही है, इस तरह के सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जा रहे हैं और हम चाहेंगे ऐसे सवालों को भी आपको देना है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, गलत। मतलब यहाँ पे देखा जाए, इस प्रश्न के हिसाब से बात किया जाए कि में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा की क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, सभी असत्य हैं, गलत। मतलब सभी सत्य हैं, यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तब जाकर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में कौन सा कथन सही नहीं है, फिर कह रहा है सभी असत्य है। तो यहाँ पे इस तथ्य को ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं बहुताएं लोगों से बहुतेरे लोगों से गलती होती है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप गलती गलतियां नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? देखिए नहीं है वाले खूब ट्रेंड में आते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा जो भी लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग ये है, भूकंपी तरंगे में तरंगे ये भी है, दोरो युक्त यंत्र में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार है, गिटार है, बीड़ा ये भी है, सर्पिला का स्ट्रीम उत्पन्न तरंगे ये नहीं है, अर्थात जो गलत है वही आपका सही। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाते हैं, हम डी लगाते हैं। आगे बढ़ रहे अगला सवाल जो कह रहा है भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। EPZ का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, EPZ का फुल फॉर्म जरूर आप लोग बताइएगा जो लोग वीडियो है। ये भारत की अर्थव्यवस्था सीरीज हमने पढ़ाया था और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। कांडला में है, मुंबई में है, नई दिल्ली में, विशाखापट्टनम में, तो कांडला में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण के क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में। ठीक, कांडला एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो कॉमेंट करिएगा, क्योंकि फटाफट अंदाज वाली सीरीज है इसलिए हम का समय ज्यादा नहीं ले रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों तक पहुंच सके हम। तो अगला जो सवाल है आपके सामने कह रहा है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का सवाल है और हम उम्मीद करते हैं सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। धन आय का समान वितरण, स्वावलंबन विदेशी सहायता में निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तो ये भी नहीं होगा, धन या आय का समान वितरण ये भी नहीं है, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका यह भी नहीं है। तो अब आपके सामने समझ में आ गया कि सर एक ही प्रश्न तो बच रहा है, वो क्या है, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, कमेंट करके बताइएगा पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था और अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से लेकर कब था। अब पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन सभी प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान कहां पर स्थित है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में खूब पूछे जा चुके हैं। पटना में है, रांची में है, झांसी में है, करनाल में है। आप
चारों विकल्प लग रहा है, हमने सुना है कहीं ना कहीं पढ़ा है, क्योंकि तो चारों विकल्पों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पटना से भी पूछे जाते हैं, रांची से भी सवाल आते हैं, झांसी से भी सवाल आते हैं, करनाल से भी सवाल आते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, आप कहां देते हैं? भारतीय चरा एवं चारा अनुसंधान स्थित है झांसी में। मतलब अगर आपने सवाल का उत्तर सी दे दिया तो इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सत्य और फैक्ट है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, ठीक है। अगला है भारतीय चरागाह अंश, ये तो हो ही गया है। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। तो जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये जवाब जरूर देंगे, किस अनुच्छेद के अंदर किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। ये भारतीय संविधान से सवाल है और संविधान की सीरीज मैंने पढ़ाई, एक बार पूरा देख लीजिएगा, इसकी पूरी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी और यहाँ से आपके परीक्षा में खूब झोला भर भर के सवाल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 भी आप जानते हैं, 19 भी जानते हैं, 15 भी जानते हैं, 21। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 21। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह सत्य और फैक्ट है, ठीक है। मतलब बी वाला जवाब यहाँ पे सही, अनुच्छेद 21। 18 क्या कमेंट करिएगा, ये मैंने नोट्स में बताए हैं, ये 18 सवाल आते हैं। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। अनुच्छेद 19 जानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 19 होगा कि अनुच्छेद में भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जान सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग प्रश्न का उत्तर 19 लगा रहे थे, लेकिन 19 नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बात का है विदेश यात्रा, ध्यान दीजिएगा विदेश यात्रा। तो विदेश यात्रा में संरक्षण का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो क्योंकि ज्यादातर लोगों ने 19 लगाया था, ठीक है, काफी लोगों ने इस प्रश्न का लगाया था, उम्मीद करते उसमें से आप भी एक थे। हम और आगे बढ़ रहे हैं, आपकी संख्या कम और ही बढ़ानी चाहिए ना, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। सेवा के अधिकार, कह रहा है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, चीन? सभी जवाब दीजिएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा करते हैं, सीधे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, मंत्री द्वारा करते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा करते हैं। सवाल सरल है और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगर पुस्तक किसकी सलाह पर, अगर यहां पूछ देता किसकी सलाह पर किसकी सलाह पर तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होता, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर पुस्तक किसकी सलाह पर, तब इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब इन्हीं विकल्पों में से एक हो सकता है। जवाब दिया करिए, अब तो चुप ही रहते हैं। कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल? 33 के जवाब सभी लोग को देना। देखिए गैर संवैधानिक निकाय ये है, ये है, ये है। वित्त आयोग नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1, 3, 4, ठीक। किसी कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। 280 पढ़ा, 280 क्या रहा? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के सातवीं सूची की किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अपशिष्ट सूची? तो प्रश्न नंबर 34 का जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सरकार कानून बना सकती है, इसलिए समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव?
35 का जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं सेशन को, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। नोट्स में है एक बार, नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा, लेनी दुर्गेश का तो बता लेंगे। एकदम सही आपने बताया, राज्यपाल, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी, बीपीआर, राव समिति। जवाब दीजिएगा, किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन देता, आप में से कौन देता, जो लोग भी लाइव हैं। प्रतीक, अंकित, श्रीकांत, शिवा, अतुल, गुरुवचन, जो भी लोग हैं, और बहुत सारे लोग और भी हैं जो लाइव पढ़ रहे हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तो बताइए इसमें अशोक मेहता समिति। अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहता तब तब आपका बलवंत राय मेहता आते। यहां पे प्रश्न में कह रहा है किस समिति ने, आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति थी। ये भी नोट्स में है एकदम साफ साफ। यहां पर देखिए सूची को मिलान करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट थोड़ा सा रख लीजिएगा। यहां पे कह रहा है मंत्रिमंडल सरकार कहां से, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, मूलाधिकार। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मिलान करना है। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से ली गई है, केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से लिया गया है, आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया, मूल अधिकार। ठीक, यहां तक किसी को मुझे नहीं लगता गलती हुई होगी या कोई यहां से गलत किया होगा, जितने भी लोग इस सेशन में लाइव बने हुए हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है सल्तनत काल। देखिए इतिहास का सवाल है ये, और ये मध्यकाल मध्य भारत के इतिहास का है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर, वकील दर, मुसरी के मुमालिक, खजीन। तो 38 का जवाब दीजिएगा फटाफट, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, वजीर। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी, एकदम सही और राइट आंसर। अगला है कह रहा है मदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जवाब दीजिएगा, यशोवर्मन, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, अश्कंदगुप्त। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यशोवर्मन। वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 41 का जवाब कमेंट सेक्शन में सभी लोग दीजिएगा, जो भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में वर्णित है। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। सभी सत्य है, माने यही गलत हो। अगला है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न नंबर 42 का सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं फटाफट अंदाज में। सिंधु नदी, रावी नदी, मादर नदी, सतलज नदी। गलत या सही जवाब दिया करिए आप सभी लोग। सतलज नदी।
अड्डे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट इस प्रश्न का। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किया शाह आलम द्वितीय। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में से अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? कौन थे? शंख, सर्प, सिंह, नीलकमल। शंख। लंगर व्यवस्था किस गुरु ने अस्थाई बना दी? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। गुरु अंगद। डी। अगला है, यहां तक किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हम इसी के साथ इसके अगले सवाल की तरफ भी बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। 46 का जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट अंदाज में। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये, वॉरेन हेस्टिंग। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1896 में, 1906 में, 1907 में, 1911 में। 47 का जवाब सभी साथी देंगे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है, 1906। 20 का सही जवाब। आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें। बताइए, पेरिस। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएसए कनाडा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, ग्रीनलैंड और कनाडा। 49 का जवाब सभी साथी को देना जितने भी लोग देख रहे हैं। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? देखिए, ऑनलाइन क्लास और नोट्स हमने अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर काले व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। नोट संबंधी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरे द्वारा सभी क्लासेस निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सभी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मिलते रहेंगे। और मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके निःशुल्क क्लास लेकर आता रहता हूँ, आगे भी लेकर आऊँगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेकिन वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा जहाँ भी देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 50 का जवाब दीजिएगा, मूल राशि नहीं है, ताप है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता, आयतन नहीं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका डी। इस तरह डेली क्लास में आप लोग समय से बने रहिएगा। ये 50 टाप के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इस तरह हम डे बाई डे आपके लिए प्रश्न बैंकों की सीरीज लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप अपना साथ यूं ही बनाए रखें। अगर अपना साथ बनाए रखेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और हम आपके लिए इसी तरह और बेहतर और बढ़िया करने का प्रयास करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ में आया है, ये सीरीज आपको समझ में आई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कोई सुझाव है तो भी कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। और इसकी जो व्याख्यात्मक की सीरीज है, क्योंकि देखिए कम प्रश्न में ज्यादा समय लगता है, हम उसके लिए अलग टाइम पे अलग सीरीज लेकर आएंगे। ये टॉप 50 प्रश्न है जो आपके प्रीवियस पेपर के आधार पर तैयार किए गए हैं, वो डे बाई डे आपके लिए आते रहेंगे। तो
आप लोग क्लास में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। अपने सभी मित्रों को क्लास की टाइमिंग बता दीजिएगा ताकि आपके साथ आपके सभी साथी मित्र भी समय से क्लास में जुड़ सके और पढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू।